सिवान के महादेवा रोड स्थित VMHE हाई स्कूल के प्रांगण में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और आपको बता दें कि इस क्वारंटीन सेंटर में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिन्हें प्रशासन ने क्वारंटीन किया है। लेकिन अच्छी पहल आज जिला प्रशासन और जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनके द्वारा शुरू हो रही है, जो कि उन लोगों को, जिन लोगों तक के पैसे नहीं हैं, जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उन तक जो कपड़े हैं या फिर जो ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं, चाहे बच्चों के लिए कपड़े हों, पुरुषों के कपड़े हों, महिलाओं के लिए जो किट है जिसमें कपड़े हैं कई तरह की, उनसे संबंधी जो कुछ और भी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लोग यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बजाबते आपदा प्रबंधन जो पदाधिकारी हैं संजय कुमार, ये स्वयं इसे बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो सामग्री रखी गई है, जो किट है, ये महिलाओं की किट है। और आप देख सकते हैं इसमें एक पैड है, कटोरी है, ग्लास है, एक थाली है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ब्लाउज भी है, साड़ी भी है, तो जो भी ये पेटीकोट भी है, जो भी चीज़ है आप देख सकते हैं। ये एक किट यानी कि एक सेट एक यहाँ पे महिलाओं को दी जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे दिया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा कि क्वारंटीन में जो लोग फंसे हुए हैं, जिन तक जो राहत की सामग्री है वो नहीं मिल पा रही थी, इनके पास पैसे नहीं होंगे कि ये साड़ी या फिर उस तरह के कपड़े की खरीदारी करें, स्वयं सिवान की जिला प्रशासन इन लोगों तक इस तरह के कपड़ों को देने का काम कर रही है। तो ये तमाम तस्वीर आपको हम सिवान के महादेवा स्थित VMHE इंटर कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है जिला प्रशासन की, जिस तरह से आज आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी जो हैं संजय जी के द्वारा सूचना दी गई और उसके बाद से हमारी टीम इस क्वारंटीन सेंटर में